हमारी आवाम को थोड़ा सा कुछ कह दें। इनको क्या कहना बताएं, क्या नाम है चैनल का? शेख ताहा सीकेएल। शेख ताहा सीकेएल व्लॉग्स, सीकेएल व्लॉग्स के नाम से भाई का चैनल है, उसको लाइक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं नहीं बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं शेख ताहा सीकेएल व्लॉग्स, लेकिन आज का प्रैंक श्रैंक कुछ भी नहीं होगा, आज का व्लॉग ही होगा। वाओ ब्यूटीफुल, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के शेख ताहा सीकेएल व्लॉग्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए करेगी। और इतने मजे मजे के व्लॉग्स प्रैंक्स वगैरह ला रहा हूँ, तो वीडियो की नोटिफिकेशन क्यों नहीं अपने पास लेते यार, लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट। और अभी आपका भाई हो चुका है तैयार, आपको दिखा दूं, ये चेक कर सकते हैं अपने भाई की लुक। अल्लाह वाजिबा सुभान अल्लाह। और आज आपको जैसे कि पता है मैं लाहौर आया हुआ हूँ, और लाहौर में मैं आया किस वजह से हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, ज़रूरी है। और जो सरप्राइज था वो रिवील होने जा रहा है, अभी गाड़ी आती है और गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी आपको जैसे पता है कि वो सामने ही हमारा मरकज़ है और यहाँ पे पंडाल वगैरह सजा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पे आवाम आएगी। और हमने कहा कि चलो हम अपना इंट्रो वगैरह दे आते हैं, और अभी हम जाते हैं अपनी जगह पे और गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही गाड़ी आती है और फिर यहाँ से निकलते हैं। दिन में नहीं बन रहा व्लॉग, तो रात का ही बनेगा, क्योंकि मैं बड़ा थका हुआ हूँ। कल आपको जैसे पता है वो व्लॉग आपने देखा हो, मैं चकवाल से लाहौर आया और ट्रक में आया तो बहुत थक गया था, तो इस लिहाज से कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। तो अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे। तो गाइस मैं जा रहा था और मैंने कहा कि आपको एक अच्छी सी जगह दिखा दूं, और जहाँ मैं बाइक पे रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें यार, माशाल्लाह बड़ा प्यारा तरीके का फुहारा लगा हुआ है, देख सकते हैं। और अभी सरप्राइज पर पहुँचने की थोड़ी सी देर रह गई है, साथ ही रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फुहारा चेक कर सकते हैं, यहाँ तक मुझे पानी आ रहा है, लग रहा है मुँह पर। और अभी निकलते हैं, बाइक वो वहाँ खड़ा हुआ है हमारा बहुत दूर, तो अभी ये जगह चेक कर सकते हैं लाहौर में। मैं यहाँ पे हूँ और अभी यहाँ से रास्ता इंतज़ार कर रहा हूँ, रास्ता मिले तो हम आगे निकलें, लेट हो रहे हैं यार थोड़ा। रजब भाई की है मॉम की बर्थडे, और हमने उनके लिए लिया है केक, और ये चेक कर सकते हैं यहाँ से लिया है। और अभी हम चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, बाकी मिलते हैं आप वहीं पे। तो अभी कैन में हमने दे दिया रजब भाई को, उनके लिए गिफ्ट लाए थे जो वो दे दिए, और अभी हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं। और रजब भाई हमारी आवाम को थोड़ा सा कुछ कह दें, इनको क्या कहना बताएं, क्या नाम है चैनल का? शेख ताहा सीकेएल। शेख ताहा सीकेएल व्लॉग्स, सीकेएल व्लॉग्स के नाम से भाई का चैनल है, उसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बच्चा बहुत दूर से आया, सब्सक्राइब करें इसको लाजमी, चकवाल से आया मेरे पास, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैंने सही बताऊँ तो मैंने आज तक कभी किसी यूट्यूबर को नहीं मिला, और सिर्फ ये फर्स्ट टाइम और भाई से मिला हूँ, और इतने प्यार मोहब्बत से मैंने आज तक किसी यूट्यूबर को नहीं मिलते देखा, बहुत अच्छा लगा। बूम, तो गाइस मैं रात को आ चुका था रजब भाई से मिलके, और मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की। और मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अभी एंड तक देखना है। उनका पार्ट तो देख लिया, लेकिन हमारा भी पार्ट ज़रूर सुनना है, ज़रूरी है। और गाइस मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत से यूट्यूबरों से मिलना चाहता हूँ, और मिलूँगा इंशाल्लाह, और मैं देखता हूँ और मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ काफ़ी, जो जैसे कि हो गए डक्की भाई, हो गए एस्ट्रोलॉजी वगैरह, और रजब भाई जो हमें मिल चुके हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से मिले हैं। मैं उनके घर गया, पहले सुबह दिन टाइम गया हूँ उनसे, मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया हुआ था, मैं सिर्फ मिलने गया हूँ। मैंने कहा पहले देखूँ मैं उनके घर मुझे मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि लाहौर एक छोटा शहर नहीं, लाहौर बहुत बड़ा है, जिस लिहाज से मैंने बहुत मुश्किलों से उनका एड्रेस निकाला, मैं उनकी जिम वगैरह का एड्रेस निकाला, जिम गया हूँ मैं उनसे, जिम में पहले मिला हूँ, फिर जिम भी मुझे पहुँचने में तकरीबन यहाँ से मैं रायवेंड से निकला हूँ, जैसे कि आपको पता मैं लाहौर आया हूँ रायवेंड में, रायवेंड से मुझे निकलते निकलते और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे आई थिंक सो
तीन से चार घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद मुझे उनकी सोसाइटी का वगैरह का पता लगा, उन्होंने मेरे से कॉल पे वगैरह बात करी, फिर मैं उनकी सोसाइटी में गया, उन्होंने ख़ुद बुलाया और मैं मिल के उनसे, और बड़े अच्छे तरीके से दिन टाइम मिले। उनके ख़ुद के व्लॉग में उन्होंने ख़ुद मुझे लिया और मैं व्लॉग में उनके आया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ सामान लाया हुआ था जो भी रायवेंड में ही पड़ा है, मैंने कहा पहले देख लूँ आप मिलेंगे या नहीं। फिर मिले हैं वो, फिर मैंने उनसे शाम टाइम कॉन्टेक्ट फिर किया है। जो व्लॉग आपने पार्ट देखा है वो मैं रात टाइम गया था उनके पास। और मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तकरीबन मैं आपको एड्रेस नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि रायवेंड से वहाँ तक जाने में मुझे टाइम तो लग गया था 2 से 3 घंटे, और जो रास्ता था वो था आई थिंक सो 30 या 35 किलोमीटर का फासला था। और जो मैं गया बाइक पे रात के टाइम सर्दी में, और उन्होंने काफ़ी दवाएं दी मुझे और अच्छी अच्छी गुड विशेस दी, जो मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा। उनकी मैं फैमिली से मिला, उनकी वालदा से, वालद से, और उनकी सिस्टर से, सिस्टर के कहने मियाँ से, सारों से मिल के मैं आया हूँ। मैंने कहा मैं आया हूँ चिकवाल से और सबसे मिलूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। और उनको फिर मैंने गिफ्ट दिया, और उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी कि यार ये क्या चीज़ है, ये फ़ायदा नहीं, मैं नहीं लूँगा, इस तरह की कोई बात नहीं करी। लेकिन मैंने उनको बड़ी खुशी से और अपने दिल से मैंने उनको वो चीज़ें दी हैं जो मेरा बनता भी था, क्योंकि मैं एक चिकवाल से आ रहा हूँ और उनके लिए कुछ ले के ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता था। तो गाइस बेसिकली ये बताऊँ कि पहली दफ़ा ही किसी यूट्यूबर से मैं मिला हूँ, और मेरा किसी से भी अभी तक मेरी और किसी यूट्यूबर से मुलाकात नहीं हुई है। पहले यूट्यूबर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और इतने अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है कि मेरी सोच में भी नहीं था। और जैसे वो कैमरे में नज़र आते हैं बेसिकली सेम टू सेम वैसे ही वो घर में भी होते हैं। मैं जिस तरह उनकी सोसाइटी में गया और उनसे बात वगैरह करी, और मेरा जो आपने शॉट देखा है उनके साथ, सेम टू सेम वैसा ही उनका बिहेव था जो मेरे साथ बग़ैर कैमरे के भी वैसा ही बिहेव था। और उन्होंने मुझे इतने प्यार मोहब्बत से घर बिठाया, घर में चाय पानी पूछा, पानी पिलाया, घर में खाने का बोल रहे थे लेकिन मैंने नहीं की। और अब इंशाल्लाह आपको नए सेलिब्रिटीज़ से भी मिलाऊँगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही। अभी लाहौर आया हूँ, 2-3 दिन और आए मेरे लाहौर में, और अभी रायवेंड का आपको पूरा व्लॉग बनाऊँगा। रायवेंड में जो आया हूँ इतनी आवाम आ रही है इधर, और इधर का भी व्लॉग पूरा बनाऊँगा, वो भी आपने देखना है। और जो पीछे व्लॉग्स वगैरह प्रैंक्स वगैरह आ रहे हैं उनको भी स्किप नहीं करना, आपने उनको भी पूरा देखना है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो को देखते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को वॉच नहीं करते तो वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए और आपको हम अच्छी अच्छी वीडियोस ला के देते रहेंगे। बस इतना ही सही था, बाकी मेन मकसद मेरा सिर्फ यही था कि मैं रजब भाई से मिलना चाहता था, डक्की भाई से मिलना था, और मेरे से इतना दूर भी नहीं है, डक्की भाई मेरे पास ही हैं, इतना दूर नहीं है। और बस मकसद यह है कि वो चले गए हैं इस टाइम तुर्की, तो इस वजह से मैं उनसे मिल नहीं सकता। बाकी मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।